नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम शेजवान आलू बनाएंगे। इसे बनाना काफी आसान है और ये खाने में काफी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने ये बेबी पोटैटो लिए, छोटे वाले आलू। ये वजन में लगभग 400 ग्राम है। इनको मैंने 3-4 बार अच्छे से पानी से धो लिया। अब सबसे पहले हमने इनको बॉईल करना है। ये मैं कुकर ले रही हूँ, इसमें मैं इन आलूओं को डाल दूंगी और अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। पानी हम इतना डालेंगे कि आलू जो है पूरी तरह से नहीं भीगे। अब मैं इसको इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दूंगी और अब मैं इस कुकर को ढक दूंगी और हमने इसको एक विसल दिलानी है और जब विसल आ जाएगी तो हम इसके प्रेशर के रिलीज होने का वेट करेंगे। तो मिलते हैं आलू में प्रेशर रिलीज होने के बाद। विसल आ चुकी है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और प्रेशर को हम निकलने देंगे। मिलते हैं प्रेशर निकलने के बाद। कुकर में से प्रेशर रिलीज हो गया था, उसके बाद मैंने आलूओं को कुकर में से निकाला और आलूओं को मैंने छील लिया, इसके छिलके उतार लिए। फ्रेंड्स अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इन आलूओं को मैरिनेट करना है। तो मैं अब इन आलूओं को इस बॉल में डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फ्रेंड्स नमक हम कम इसलिए भी डालेंगे क्योंकि मैं इसके अंदर शेजवान सॉस और थोड़ी सी टोमेटो केचप डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। मैं इसके अंदर लगभग 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शेजवान सॉस डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच मैं इसके अंदर टमाटो केचप डाल रही हूँ। टमाटो केचप ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा सा चटपटा टेस्ट चाहिए तो आप इसमें डाल लें, इससे थोड़ी सी इसमें मिठास आएगी। अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं टमाटो केचप को। और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब भुने जीरे का पाउडर ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी ये मैंने कसूरी मेथी ली है, इसे मैं हाथों से क्रश कर लूंगी, इसे भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। फ्रेंड्स अब इन आलूओं को मैं 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी और इसे हम मैरिनेट होने देंगे। तो मिलते हैं आलू के मैरिनेट होने के बाद। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन आलू को फ्राई करेंगे। आलू हमारे अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब मैंने ये एक पैन लिया, पैन के नीचे मैं गैस ऑन कर दूंगी। पैन को थोड़ा हम गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स मैं इन आलूओं को सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे जिस चीज़ में मर्जी फ्राई कर लें, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं या आप घी यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें यूज़ करें। अब मैं इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दूंगी। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम को अब मैं लो कर दूंगी। फ्रेंड्स मैंने 1/2 टीस्पून के करीब राई ली है, इसे हम तड़कने देंगे और 1/2 टीस्पून के करीब ही मैंने सफ़ेद तिल लिए, इसे भी मैं इसके साथ डाल दूंगी। राई हमारी तड़कने लगी है तो अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो रखूंगी, बीच में मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। अब मैं इसके अंदर ये आलू डाल दूंगी। अब मैं फ्लेम को लो टू मीडियम रखूंगी और इन आलूओं को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि आलू हमारे पूरी तरह से गल नहीं जाते हैं और आलू का जो है कलर जो है गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। फ्रेंड्स मैंने लगभग 2 मिनट के लिए आलूओं को इस तरह से चला लिए। अब मैं इसे ढककर कुक होने दूंगी। इसे हम लगभग 10 मिनट तक इस तरह से ढककर कुक करेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए और मसाला जो है अच्छे से कोट हो जाए इस पर। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको आलू दिखाती हूँ। मैंने आलूओं को बीच में 2-3 बार चला लिया था अच्छे से और फ्रेंड्स मैंने नमक भी चेक कर लिया था। आलू हमारे जो है अंदर से सॉफ्ट हो चुके हैं और बाहर से क्रिस्प हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सब पर मसाला भी अच्छे से कोट हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको आलू हमारे गले या नहीं। ये देखिए अंदर जो है आलू के अंदर चाकू आसानी से जा रहा है, एक मिनट आलू हमारे गल चुके हैं। अब मैं इस पर थोड़ा सा फ्रेश कटा हरा धनिया ऐड कर दूंगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे बन चुके हैं, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और 2 मिनट के लिए इसे फिर से ढक दूंगी ताकि धनिया का फ्लेवर आलू में चला जाए और फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। शेजवान आलू बनकर रेडी है सर्व होने के लिए। आप इसे रोटी या
परांठी किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।